तो फाइनली आप दोस्तों देख सकते हो ये है पेट्रा सिटी, जिसे जो है रोज सिटी के नाम से भी जाना जाता है। कैसे हो दोस्तों, एक नया दिन, एक नया सफर। तो मैं हूँ इस समय जॉर्डन में। जी हाँ दोस्तों, आउट ऑफ इंडिया मैं जॉर्डन आया हुआ हूँ। कल हम जो है जॉर्डन आए थे, रात हमने इसी होटल में स्टे किया था, बट इस होटल की वीडियो मैं नहीं दिखा पाया, रात अंधेरा था। इस समय जब वीडियो शूट कर रहा हूँ तो जॉर्डन में जो बज रहे हैं 7 बज रहे हैं, पता नहीं इंडिया में इस समय क्या टाइम हो रहा होगा। और दोस्तों बताना चाहता हूँ कि आज जो हम घूमने के लिए जा रहे हैं ना, वो है दुनिया का अजूबा। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के 7 अजूबे हैं, उसमें से एक अजूबा है पेट्रा, जो अभी तक हमने म्यूजियम के रूप में इंडिया में देखते थे, या बहुत सारे आर्टिफिशियल जो पार्कों में तैयार कर देते हैं, या वेस्ट ऑफ वंडर जो होते हैं ना कि पुरानी चीजों से बनाया जाता है, तो इस तरह के मॉडल देखते थे। लेकिन आज पहली बार लाइफ में हम करीब से असली वाला पेट्रा देखने वाले हैं, जो कि दुनिया के 7 अजूबों से एक है। दोस्तों मजा आने वाला है। इससे पहले दोस्तों मैं इस होटल का आपको जो है वीडियो दिखाना चाहता हूं। आप देखिए कितना शानदार होटल है, लग्जरी होटल है, यानी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा होटल मुझे मिलेगा। सारी की सारी सुविधाएं हैं, बहुत ही शानदार होटल, चाहे बाथरूम ले लीजिए, सब कुछ बढ़िया ले लीजिए। तो दोस्तों अभी हम नीचे नाश्ता करेंगे, जो कॉम्प्लीमेंट्री है, बफे सिस्टम है, नाश्ता करेंगे, उसके बाद हमारी बस आएगी जहां से हम पेट्रा चलने वाले हैं। तो ब्लॉग को शुरू करते हैं। और पता, नाश्ते का जो टाइम था ना 7 बजे से पहले पहले करना था, बट देखते हैं कि बस आने वाली है। इधर मिल रहा है सारे लोग लगभग जो ब्रेकफास्ट कर चुके हैं, हम ही लेट हो गए। तो भाई ये हमारा ब्रेकफास्ट है, नाम मुझे पता नहीं बट ले आया मैं। देखिए खीरा है, टमाटर है, ये जो देखना ये जैतून है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जैतून है। और ये देखिए ये ब्रेकफास्ट है, ये शायद जैम है, आधे से ज़्यादा का तो नाम पता नहीं है बट मैं ले आया। ये ब्रेड है, यहाँ पर क्या होता है ये देखिए, जो आलू है ना जो उबला हुआ वो है, बैगन है, और ये मिर्च है, ये ऑमलेट है, ये देख रहे हैं आप। साथ में जो अब ये चिकन देख रहे हैं, ये बॉयल हुआ सैलेड के साथ है, ये मिलके। तो ब्रेकफास्ट आधे से ज़्यादा का नाम पता नहीं बट मैं इसको खाने वाला हूँ, मज़ा आने वाला है। भाई इनका जो ब्रेकफास्ट है ना वो इतना हेल्दी है ना, बहुत ज़्यादा। आप देखो खीरा, टोमेटो, टोमेटो के साथ ये जो देख रहे हैं ना जैतून है, जैतून जो देखते हैं ना तेल जो होता है जैतून का, वही जैतून है। साथ में ये देख रहे हैं ना ये आलू और ये बैगन, साथ में इनके जो होता है ना सूप होता है, सूप वो अभी मैं दिखाऊंगा, लेकर आऊँगा, ख़त्म हो गया था और लेकर आऊँगा। मिल्क है, नाश्ता इनका बहुत ज़्यादा है। और ये ना सर, तो बहुत सारी वेरायटी है यहाँ पर, हमें नाम पता नहीं है इसने, हमने लिया नहीं, जो भी आया वो ले लिया, हमें नाम पता नहीं इसका, खा रहे हैं इसको। भाई ब्रेकफास्ट हो गया और बहुत हैवी हो गया। तो बाहर ना हमारी बस आ गई है और यहाँ से हम जो है पेट्रा जाने वाले हैं, और दोस्तों बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो ये हमारी बस है, जस्ट सामने देख रहे हैं आप, और इसी बस से है जो हम जाने वाले हैं ना, वो पेट्रा जाने वाले हैं। यहाँ का नज़ारा देखिए कितना शानदार है। जॉर्डन, जॉर्डन में आप एक चीज़ देखेंगे, जितनी भी सारी बिल्डिंग मिलेगी ना सबको एक ही कलर मिलेगा, और एक्चुअली उसका पेंट नहीं हुआ, एक पत्थर है ये। इस पर मैं एक डेडिकेट ब्लॉग भी बनाऊंगा। ये देखिए जितने भी आप बिल्डिंग देख रहे हैं ना, सब पर एक ही पत्थर मिलेगा, एक ही कलर मिलेगा आपको। तो अभी हम चल रहे हैं। तो फाइनली दोस्तों हम बस में आके बैठ चुके हैं, और यहाँ से जो पेट्रा है ना वो 300 किलोमीटर दूर है। एक्चुअली में हम अम्मान में हैं, और पेट्रा हम जाने के लिए जो बस में बैठे हुए हैं। और दोस्तों इसकी जो हिस्ट्री सुनने वाले हो ना, बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, और पहली बार लाइव जो है ना पेट्रा को देखने वाले हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा जो है एक्साइटेड हूँ। और सफ़र का मज़ा लेते हैं और पहुँचते हैं पेट्रा, उसके बाद वहाँ का व्यू देखते हैं। तो दोस्तों अभी हम बीच में रुके हुए हैं, लगभग 150 किलोमीटर चल चुके हैं हम, पेट्रा जा रहे थे। यह पेट्रा कॉम्प्लेक्स है, तो चाय पियेंगे। अभी मैं पता करता हूँ यहाँ पर टी का प्राइस क्या है। भैया टी प्राइस, टी 2 कप, 2 दिनार ना, आई हैव डॉलर, $3, ओके प्लीज हैव दिस टी, 2 कप टी। तो भाई ये हम चाय पी रहे हैं, ये चाय जो है $1.5 की है, हमने दो भाई हैं तो 2 चाय ली थी। अब यहाँ मिल्क नहीं है, अगर मिल्क नहीं है तो ये वाली चाय है, बस टेस्ट देखता हूँ कैसा इसका। टेस्ट की बात करूँ ना तो 10 में से मैं 9 नंबर दूंगा, टेस्ट अच्छा है, मतलब काफ़ी अच्छा है। तो फाइनली दोस्तों मैं आ चुका हूँ
पेट्रा के गेट पर, जस्ट मेरे पीछे गेट देख सकते हैं, और इस साइड में आप देखेंगे पेट्रा म्यूजियम है। और यहाँ का दोस्तों व्यू देखिए कितना शानदार, कितना प्यारा है, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ी। और यहाँ से हमें टिकट लेना है, उसके बाद हम जो है अंदर चलेंगे। तो अंदर हमने एंट्री कर ली है, और जस्ट मेरे इस साइड पे यानी लेफ्ट साइड पे टिकट ऑफिस है, जाकर टिकट लेता हूँ, पता करता हूँ टिकट कितने रुपए का है। तो फाइनली दोस्तों टिकट ले लिया। टिकट जो है ये 50 दिनार का है, लोकल यानी जॉर्डन के लोगों के लिए 1 दिनार का है। आज पहली बार देखो होता है ना कि हम इंडिया के अंदर जब फॉरनर आते थे टिकट महंगा होता था, तो आज हमें टिकट महंगा मिला है, 50 दिनार का मिला है। और अभी हम चल रहे हैं, तो यहाँ से देखो आपको जो घोड़े भी मिल जाएंगे, बट हमें लेना नहीं है, हम पैदल ही जा रहे हैं। देखो यहाँ से जो है कैब स्टार्ट हो चुकी हैं थोड़ी थोड़ी, बट हमारी मंजिल ना बहुत आगे है, बट जल्दी इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे। दोस्तों थैंक्स कहना चाहूँगा MMR ट्रिप का, जिन्होंने इस वीडियो का स्पॉन्सर किया है। अगर आप फ्लाइट में सफ़र करना चाहते हैं वो भी सस्ते टिकट में, तो MMR ट्रिप का कोई अच्छा बेस्ट ऑप्शन नहीं है कम्पेयर टू अदर ऑप्शन। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें किसी तरह का कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। इंडिया में लगभग मैं 20 बार फ्लाइट से यात्रा कर चुका हूँ, और जब भी मैं टिकट करता हूँ डोमेस्टिक या इंटरनेशनल, तो MMR ट्रिप से करता हूँ, और बहुत ही रीजनेबल रेट मिलता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि इनका जो ऐप है ना MMR ट्रिप का, वो आपको प्ले स्टोर पर एंड्रॉयड ऐप मोबाइल के लिए मिल जाएगा, और आईफोन के लिए भी आपको मिल जाएगा, यानी दोनों जगह आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर इनका हर जगह पेज है, उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो अभी तुरंत जाइए और MMR ट्रिप को आप डाउनलोड कीजिए। सारे के सारे जो लिंक है मैंने ऐप के हों चाहे वो वेबसाइट के हों, मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो फाइनली दोस्तों हम जो है यहाँ के सेकंड गेट पे आ चुके हैं, और यहाँ से इसका व्यू देखिए किस तरीके से पहाड़ी काट कर एक नगरी बनाई गई थी। अरे बाप रे, ये देखिए, ओ माय गॉड, ये देखिए, ये जिस सिर्फ इंसानों द्वारा बनाई गई थी, एक मखलूक द्वारा बनाई गई थी। यहाँ से आप ये नज़ारा देखिए, यकीन मानिए आप जैसे जैसे आप आगे चलेंगे ना इसको देखेंगे, यकीन मानिए आप पागल हो जाओ। दोस्तों आई एम सो हैप्पी, क्योंकि हम गूगल पर पढ़ते थे भारत में जितने भी पार्क हैं जिस पर वेस्ट ऑफ वंडर, बहुत सारे ऐसे पार्क हैं जहां पर इसको मॉडल्स के रूप में दिखाया जाता था या नेट पर पढ़ा करते थे, बट आज मैं इसको पहली बार जो है रियल में देख रहा हूं। आई एम सो हैप्पी दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा खुश है। तो आप ये देखिए किस तरीके से पहाड़ को काटा गया था, और सोचिए उस समय काटा गया था जब ईसा अलैहि सलाम से 315 साल पहले, इसको किस तरीके से काटा गया होगा उस समय, मेरे हिसाब से हथौड़ा तो नहीं होता होगा। दोस्तों दुनिया के जो 7 अजूबे हैं ना, उसमें से ये एक अजूबा है, और बताते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग जो विजिट करते हैं ना, वो कुछ साल के अंदर सबसे ज़्यादा लोग यहाँ विजिट करते हैं। दोस्तों अगर इसके इतिहास की बात करूँ ना, बड़ा दिलचस्प इतिहास है, मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों आप यहाँ से इसका व्यू देखिए, ये देखिए कितना शानदार व्यू है दोस्तों, ये देखिए बहुत ही प्यारा, किस तरीके से पत्थर काटा गया था, किस तरीके से इसको बनाया गया था, ये देखिए। अरे बाप रे, कई जगह ना रास्ते इतने तंग हो जाते हैं, यहाँ से इसकी नक्काशी देखिए किस तरीके से पहाड़ काटा गया था, और छत पे ऐसा लगता है कि जैसे छत एक तरह से काट दी गई थी, बट अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे ये आपके ऊपर गिर जाएगा। जितना आप आगे को चलेंगे ना, आपको इसको देखने की दिलचस्पी और बढ़ जाएगी। ध्यान से देखिए, ये देखिए दोस्तों, अगर पेट्रा के इतिहास की बात की जाए तो एक नाबित कौम थी, नाबित कौम ने इसको बनाया था, यानी उनके एक रहने की ये जगह हुआ करती थी, उनका घर हुआ करता था। सोचिए उस समय इन्होंने कैसे काटा होगा, कैसे बनाया होगा, किस तरह वो रहते होंगे, और ये बात है ईसा अलैहि सलाम से 315 साल पहले की बात। दोस्तों अगर पेट्रा की बात की जाए तो इसको जो है तुम्हारे की रोज़ सिटी के नाम से जाना जाता है, साथ ही साथ इसे जो है एक तरीके से लोज सिटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जिस तरह ये बनाया गया था उसके बाद नस्ते नामोद हो गया, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से जो है कट गई हैं, टूट गई हैं, इस पर चढ़ना अब अलाउ है नहीं। दोस्तों 2007 में इसको जो है 7 अजूबों में मान लिया गया, और पिछले 10 साल के अंदर सबसे ज़्यादा किसी अजूबे पर जाने वाली भीड़ है तो वो ये पेट्रा है, यानी पेट्रा एक ऐसी जगह है जहाँ पर पूरी दुनिया से सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। इसमें दोस्तों जैसे जैसे आप आगे जाएंगे ना, रास्ते और तंग होते जाएंगे, और यकीन मानिए एक वक्त ऐसा आता है कि आप डर जाते हो। यहाँ से ये देखिए रास्ते कितने छोटे छोटे आप दिखाई दे रहे हैं, और ये पत्थर जो पहाड़ काटे गए हैं ऐसा लगता है जैसे अभी गिर रहे हो, अभी गिरने वाले हो, अभी गिरने वाले हो। अभी जो अक्सर आप गूगल पे जो फोटो देखते हैं वो थोड़ा आगे का है जहां मैं आपको लेकर जा रहा हूं।
तो यहाँ से देखिए इसका अपना खतरनाक रास्ता आ गया है, जो रास्ता और छोटा हो जाता है और यहाँ चलते हुए ना एक अजीब सा डर लगता है। ये देखिए वाकई में कितना खतरनाक से लग रहा है। दोस्तों बताना चाहता हूँ कि जब ये नाविद का शासन था यानी नाविदियन पर जब यहाँ राज करते थे, उनका घर था, उसके बाद जो है रोमन साम्राज्य का इसका अधिकार हो गया था और उसके कुछ साल बाद उन्होंने भी इसको छोड़ दिया था। उसके बाद यहाँ के कुछ महल थे जो टूट गए थे। दोस्तों बताना चाहता हूँ कि इस पेट्रा जगह को जहाँ पर मैं हूँ इसको 1812 में एक अंग्रेज ने खोजा, सेम इसी तरीके से जैसे उन्हें औरंगाबाद में जो आप देखा होगा आपने एलोरा थी, उसके बाद अजंता गुफा जिस तरह खोजा गया था, इसी तरीके से इस जगह को खोजा गया था और फाइनली 1900 शताब्दी में इसकी खुदाई शुरू हुई और 2007 में इसको जो है 7 अजूबे की लिस्ट में मान लिया गया। अब यहाँ से आगे देखेंगे आप जो मेन जगह है जिसे बोला जाता है पेट्रा सिटी। तो फाइनली दोस्तों अब आ चुका है पेट्रा सिटी जिसके लिए हम आए हैं, जिसे जो है गुलाबी शहर भी बोला जाता है, लॉर्ड शहर भी बोला जाता है। ये देखिए यहाँ से किस तरीके से उसको काट के बनाया गया था और खूबसूरत तरीके से बनाया गया था, गजब दोस्तों। ये मान लिए इसकी नक्काशी देखिए किस तरीके से बनाया गया था, बहुत ही शानदार आपको ये दिखाई देगा। ये देखिए, अरे बाप रे, ये देखिए किस तरीके से इसको बनाया गया था और किस तरीके से पत्थर काटे गए थे। और ये देख सकते हो ये थी नवेतियन लोगों की ज़िंदगी, वो यहाँ पर रहा करते थे, यहाँ पर खाना खाया करते थे, यहाँ पर जो है वो आराम किया करते थे। फाइनली दोस्तों आप देख सकते हो ये है पेट्रा सिटी जो कि जॉर्डन में है जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ। और फाइनली दोस्तों हमारा सपना भी पूरा हुआ, यहाँ से इसका ये व्यू देखिए आप चारों तरफ का कितना शानदार, कितना ऊँचा, और वहाँ पर जो लोग देख रहे हैं ना किस तरीके से शानदार व्यू आता है और वहाँ पर इस चीज़ को वो देखते हैं। दोस्तों ये एग्जैक्टली जो है नाविदियन जो लोग होते हैं ना उनके रहने की जगह थी जो कि ईसा अलैहिस्सलाम से लगभग जो है 315 साल पहले यहाँ पर ये मखलूक रहा करती थी और इसे नाबित बोला जाता था। उसके बाद इस जगह को नस्ते नामूद कर दिया गया, यहाँ के जो और महल थे वो डिस्ट्रॉय हो गए, टूट गए। इस शहर को जो दोस्तों जो है गुलाबी शहर भी बोला जाता है, तुम्हारी की रोज सिटी भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि आप धूप से देख रहे होंगे ये गुलाबी गुलाबी दिखाई दे रहा है। सोचो उस समय कैसे काटा गया होगा पत्थर, किस तरह से कोई कारीगरी, किस तरीके से महीन महीन कारीगरी की हो गई होगी। साथ ही साथ दोस्तों बताना चाहता हूँ कि इसे जो है लो सिटी भी कहा जाता है। लो सिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि किस तरीके से ये बनाई गई थी नाबित कौम के द्वारा और किस तरीके से इसको नस्ते नमूद कर दिया गया। और मैं बताना चाहता हूँ कि जब नाबित लोगों ने इसको बनाया था उसके बाद यहाँ पर रोमन साम्राज्य आ गया था और रोमन साम्राज्य आने के बाद उन्होंने भी इसको कुछ समय बाद छोड़ दिया था। उसके बाद यहाँ पर जो है मुस्लिम लोगों का अधिकार हो गया था। और दोस्तों बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर सुल्तान अय्यूबी जब वो आए तो क्रिश्चियन लोगों ने अपना अधिकार छोड़ दिया था और इस तरह उनकी यहाँ पर फतह हासिल हो गई थी। ये देखिए कितना शानदार बना हुआ है इसके, उस पर अभी भी देखोगे तो बुद्ध प्रस्त वाले आप निशान देखोगे, पिक्चर्स देखोगे, और यही शायद इबरत की निशानी थी। इसके अंदर जाना अलाउ नहीं है दोस्तों, यहाँ पर जो है मना है, यानी इसके अंदर आप नहीं जा सकते। यहाँ चारों तरफ का व्यू देखिए कितना शानदार है। दोस्तों ऊपर जो लोग देख रहे हैं ना वहाँ जाने के, ये लोग जो है $10 मांगते हैं, यानी इंडिया के हो गए 820 रुपये हो गए। वहाँ से बताते हैं कि व्यू बहुत शानदार आता है, फ़ोटो भी शानदार आता है और वहाँ पर जॉर्डन का फ़ोटो भी लगा हुआ है। जस्ट ऊपर और देख सकते हो, वो ऊपर और जा सकते हो बट वहाँ का मुझे पता नहीं है। तो आई होप दोस्तों ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा और जॉर्डन में पहली बार यहाँ आकर के इस अजूबे को देखना अपने आप में एक बहुत अलग एक्सपीरियंस था। मैंने इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाई है कि आखिर इसे लॉस्ट सिटी क्यों बोला जाता है, रोज सिटी क्यों बोला जाता है, और इसके बारे में डिटेल दी है मैंने कि किस समय उस समय सल्तनत किसकी थी, उसके बाद एक किसके अधीन हुआ। तो फुल ब्लॉग को ज़रूर देखें। और दोस्तों एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यहाँ पर लोकल लोगों से बच कर रहे हैं, स्कैम ना बहुत बड़े लेवल पर रहे हैं, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखें। अब मैं इस ब्लॉग का एंड करता हूँ, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।